हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास टेंथ मैथ्स की प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। समांतर श्रेणी की यानी एपी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो जानते हैं कि अगर हमें किसी भी पद को ज्ञात करना है तो हमें एक फॉर्मूला ज्ञात होना जरूरी है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो है एनवा पद। एनवा पद, ठीक है, एनथ टर्म इसको हम कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला जो है इसका प्रयोग हम करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हमारे पास पहला पार्ट है, यहाँ ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है, और हमें प्रथम चार पद लिखने हैं। तो यानी इसका पहला पद A1, तो A1 जो होता है वो सीधा A होता है क्योंकि पहला पद ही ये है, और क्वेश्चन में पहला पद क्या दिया है, 10 दिया है, तो A1 जो होता है वो A ही होता है, ठीक है, पहला पद। अब दूसरे पद की बात करते हैं, A2 होता है। अब आप यहाँ पर देखो, जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं वो N होता है, यानी पदों की संख्या। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखें तो 2-1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर लिखा होता है यहाँ पर उससे एक कम हो जाता है। अगर पूरा फॉर्मूला आप रखें तो क्या होगा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए की जगह पे 10 रखो, एन की जगह पे 2-1, और डी भी अपना 10 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 में से एक गया 1, और ये हो जाएगा 10 प्लस 10 मीन्स 20, और इस तरह से हमें A2 मिल गया है, ठीक है ना। लेकिन आप सीधे A2 कैसे निकाल सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि A2 बराबर A प्लस D, ठीक है। इसी तरह से जब A3 हम निकालें तो वो होता है A प्लस 2D। तो ये ध्यान रखना, हमें कोई भी पद निकालना है तो जो भी यहां पे लिखा होता है यहां पर एक कम होता है। अगर मैं यहां पर लिखूं A50 तो ये हो जाएगा A प्लस 49D, यहां पर एक कम हो जाएगा इससे। यह बात आप ध्यान में रखना, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और इस पूरे चैप्टर में आप ये बात ध्यान रखना। तो मैं इसको फिलहाल यहां पे हटाता हूं क्योंकि हमें यह नहीं निकालना है, हमें यहां पर A2 चाहिए। तो A2 वैसे हम पहले ही निकाल चुके हैं, लेकिन चलो यहां पर भी निकाल देते हैं। ये सिंपल तरीके से ये 20 आ गया। A3 है A प्लस 2D मीन्स 10 प्लस 2 इंटू डी अपना 10 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 होता है 20, और ये हो जाएगा 30। और जो A4 है वो क्या होगा, A प्लस 3D, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मीन्स 10 प्लस 3 इंटू डी भी 10 है, मीन्स 10 प्लस 30, और ये हो जाएगा 40। तो प्रथम चार पद क्या हो गए, ये है 10, पहला पद ये अपना 10, ठीक है, तो 10 हो गया, फिर 20 है, 30 है और 40 है। आप देख सकते हैं बार बार अंतर 10 है, ठीक है ना। क्वेश्चन में भी बोला है कि जो सार्वंतर है वो 10 है, ओके। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में यहां पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि ए बराबर है -2 और डी है 0। वैसे डी 0 है तो ये सीरीज ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, सारे एक जैसे होंगे, बट फिर भी हमें प्रॉपर वे में करना है। तो A1 यानी पहला पद ये तो -2 है, और A2 मैंने क्या बताया था आपको, कैसे लिखते हैं, A प्लस डी, ठीक है ना। तो यानी -2 प्लस 0 और ये हो गया है -2। तीसरा पद हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D -2 प्लस 2 इंटू डी है 0, -2 प्लस 0 और ये फिर से -2 आ गया है। फोर्थ टर्म A प्लस 3D मीन्स -2 प्लस 3 इंटू 0 मीन्स -2 प्लस 0 और ये आ गया है -2। तो इसके जो पहले चार पद हैं, प्रथम चार पद क्या होंगे, -2 -2
माइनस टू और माइनस टू, ओके। और हाँ, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला ज़रूर लिखते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ज़रूर ये फॉर्मूला लिख देना कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ओके। और फिर उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है वैसा ही सॉल्व आपको करना है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पार्ट की ओर। अब हमारे पास तीसरा पार्ट है और इसमें हमारे पास है गिवन ए इज इक्वल टू फोर एंड डी इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब यहाँ पे डी माइनस में है तो आप ये समझ लेना कि जो सीरीज है इसके जो पद हैं वो धीरे धीरे छोटे 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 होते जाएंगे क्योंकि डी माइनस में है, ओके। ये बीच बीच में मैं आपको बताते रहता हूँ ये बातें बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होती हैं। एनीवे, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे एज यूजुअल, हमेशा ये रूल होना चाहिए कि पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखना चाहिए। इसके बाद जो हमारा करने का तरीका है बिल्कुल वही फॉलो करेंगे। ए वन हमारा ए है और ये फोर आ गया है, ए टू बराबर ए प्लस डी होता है मीन्स फोर प्लस माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री यानी वन, फिर ए थ्री है, ए थ्री होता है ए प्लस टू डी मीन्स फोर प्लस टू इंटू माइनस थ्री, फोर माइनस सिक्स यानी माइनस टू, और उसके बाद ए फोर बराबर है ए प्लस थ्री डी मीन्स फोर प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री, और ये हो जाएगा फोर माइनस नाइन मीन्स माइनस फाइव, ठीक है। तो जो प्रथम चार पद हैं वो क्या होंगे, माइनस वेट सॉरी, ये है फोर, फिर है वन, माइनस टू और माइनस फाइव, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सीरीज धीरे धीरे कम हो रही क्योंकि डी यहाँ पे माइनस में था। और अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ए इज माइनस वन और जो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस हम जिसे कहते हैं वो है वन अपॉन फोर। तो फॉर्मूला जो है दैट इज जो फॉर्मूला है वो तो आपको लिखना ही है पहले, और उसके बाद हम टर्म्स निकालेंगे। ए वन इज इक्वल टू ए और ये माइनस वन है, ए टू ए प्लस डी माइनस वन प्लस वन अपॉन टू, माइनस टू प्लस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू, फिर ए थ्री है ये होता है ए प्लस टू डी वन प्लस सॉरी माइनस वन प्लस टू इंटू वन अपॉइंट टू, टू से टू कटा माइनस वन प्लस वन और ये ज़ीरो आ गया है, और ए फोर बराबर होगा ए प्लस थ्री डी माइनस वन प्लस थ्री इंटू वन अपॉइंट टू, माइनस वन प्लस थ्री अपॉइंट टू माइनस टू प्लस थ्री अपॉइंट टू, और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस वन नहीं प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। थ्री माइनस टू इज वन तो ये वन अपॉन टू। तो इसके जो चार टर्म आ जाएंगे वो होंगे प्रथम चार पद माइनस वन, माइनस वन अपॉन टू, जीरो एंड वन अपॉन टू, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है ए इज माइनस 1.25 और जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज माइनस 0.25। अगेन कॉमन डिफरेंस माइनस में है तो सीरीज छोटी छोटी होती जाएगी, ओके। यहाँ पर एज ऑलवेज पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। ये आप फॉर्मूला हमेशा लिखना शुरू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और उसके बाद अपने हिसाब से करना फिर इसे। तो जो पहला पद है वो होता है a और ये है माइनस 1.25। जो दूसरा पद है यानी a2 टू दैट इज a प्लस डी माइनस 1.25 प्लस, अच्छा d है माइनस 0.25 तो ये हो जाएगा माइनस 1.25 माइनस 0.25 और ये हो जाएगा माइनस 1.50। फिर जो तीसरा टर्म है a प्लस टू डी माइनस 1.25 प्लस 0.25, ठीक है ना। माइनस 1.25 माइनस 0.50 और ये हो जाएगा माइनस 1.75।
फिर ए फोर होता है ए प्लस थ्री डी माइनस 1.25 प्लस 3 माइनस 0.25 यानी माइनस 1.25 माइनस 0.75 और ये हो जाएगा माइनस 2.00। ठीक है, तो बेसिकली सीरीज के जो पद हो गए हैं, टर्म्स हो गए हैं, वो क्या क्या होंगे? तो प्रथम चार पद हो गए हैं माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 एंड माइनस 2.00। ओके, ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है समाप्त होता है। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।